11 सितंबर 2011 दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स यानी यूएस प्रेसिडेंट के लिए किसी आम दिन जैसा ही था। वॉशिंगटन डीसी से करीब 1000 मील दूर फ्लोरिडा के एक स्कूल में तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश का एक प्रोग्राम चल रहा था। बुश और स्टूडेंट्स के बीच खुशनुमा बात शुरू होने ही वाली थी कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर आए और बुश के कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। प्रेसिडेंट बुश के चेहरे का रंग थोड़ा उड़ जाता है, लेकिन जल्द ही वो खुद को नॉर्मल कर लेते हैं और सब कुछ पहले की रफ्तार से चलने लगता है। क्लास में स्टूडेंट्स के साथ बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। कुछ ही देर बाद चेहरे पर बेचैनी छिपाए एंड्रू कार्ड फिर क्लास में एंट्री करते हैं। इस बार वो बुश के कान में बेहद नापतोल कर कुछ 11 शब्द बोलते हैं। प्रेसिडेंट बुश कार्ड की बात सुनकर चौंक जाते हैं और खौफ में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। आप सोच रहे होंगे एंड्रू कार्ड ने उनके कान में क्या कहा, तो बता दें कि एंड्रू ने अमेरिका पर अटैक के बारे में प्रेसिडेंट बुश को बताया था, जिसे आज 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के ऊपर ये एक टेररिस्ट अटैक था। आज की वीडियो में हम 9/11 अटैक पर ही बात करने वाले हैं। जानेंगे कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया था, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी और इस अटैक के पीछे किसका हाथ था। साथ ही अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। What happened on 9/11? 11 सितंबर की सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बॉस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस है। करीब 92 लोग इस प्लेन में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। टेक ऑफ करने के करीब 15 मिनट बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से 5 हाईजैकर्स हैं। थोड़ी देर बाद ही ये सभी हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इन हाईजैकर्स में से एक पायलट की तरह ट्रेंड है और इसका नाम है मोहम्मद अटा। बाय नेशनैलिटी ये एक इजिप्शियन है और 33 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोस्तों उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी और एक समय में ये यूएस की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से हुआ करती थी। हाईजैकर्स प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ले जाकर क्रैश कर देते हैं। एकदम से अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया, इस घटना के बारे में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रू हिलकार्ट जूनियर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को इन्फॉर्म करते हैं, जो उस समय एक स्कूल के दौरे पर